हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। एज वी आर कंटिन्यूइंग विद द मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज, दिस इज लेक्चर नंबर 34। तो आपको याद होगा वी आर डीलिंग विद गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयस, इनको डील कर रहे थे अपन, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड टिल लॉर्ड कर्जन, कर्जन तक हम कंप्लीट कर चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो जिससे लास्ट लेक्चर नहीं देखें प्लीज आप वो लेक्चर देख लीजिए। आज जो हम आपके सामने लेके आए पार्ट 3 लेके आए गवर्नर जनरल्स का, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर 1905 और आज हम 1926 तक कंप्लीट कर देंगे, उसके आगे अगले पार्ट में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेस वॉइस रॉय। तो देखिए अगले जो आफ्टर लॉर्ड कर्जन जो वॉइस रॉय इंडिया में आए उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो। इनका टाइम पीरियड है 1905 से लेके 1910। तो इनके बीच में क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई उनको देख लेते हैं अपन। याद रखिएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। यहां पर जो मॉर्ले मिंटो है, याद रखिएगा मिंटो ये लॉर्ड मिंटो सेकंड ही है, मतलब जो मिंटो है दैट इज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, और जो मॉर्ले है दैट इज जॉन मॉर्ले, उस टाइम पर इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। क्या रखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपन जॉन मॉर्ले थे, इसलिए अपन इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। याद रखिएगा ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ अ प्रिंसिपल, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम्स के लिए। याद रखिएगा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स को, याद रखिए मुस्लिम जब इलेक्शन में खड़े होंगे तो जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा वहां पर मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, आपको याद होगा, ठीक है। इसीलिए एक तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ये सेपरेट इलेक्टोरेट, इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है लॉर्ड मिंटो सेकंड को। तो एग्जाम में पूछ सकता हु इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, आंसर वुड बी लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। याद रखिएगा इन्हीं के टाइम पर इंडियन प्रेस एक्ट आया 1910 पे। ये प्रेस एक्ट जो 1910 पे आया है, याद रखिएगा इस पे क्या अलाउ किया था, ऑफकोर्स वो प्रेस की फ्रीडम को कर्ब करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, इसलिए उन्होंने फाइन पेनल्टीज बढ़ा दी। किस चीज के लिए? फॉर रिबेलियस व्यूज, मतलब उनको लगता था ऐसे कोई भी व्यू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं वो रिबेलियस व्यू हैं, और ऐसे प्रेस पर हम फाइन और पेनल्टीज लगाएंगे। तो इंडियन प्रेस एक्ट याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पर आया था। नेक्स्ट देखा जाए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फीचर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है उसी का एक फीचर था, दैट इज वॉइसरॉय जो होता था उसके अंदर एक काउंसिल हुआ करती थी जिसको कहते थे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय को अपन कह सकते हैं, इसमें अभी तक इंडियंस की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार इंडियंस की एंट्री इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट हुई लॉर्ड मिंटो के समय पर, 1909 पे ही एंट्री हुई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गॉट अ एंट्री, याद रखें एज अ लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर ही गॉट एंट्री वेयर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो के टाइम पर ही इंडिया में, याद होगा आपको जब कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था उसी के अपोजिशन पे एक मूवमेंट चली थी, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। तो याद रखिएगा स्वदेशी मूवमेंट दैट इज 1905 टू 1908, इट इज आल्सो द टाइम ऑफ लॉर्ड मिंटो। इसको लेड किया था, याद होगा आपको, एक्सट्रीमिस्ट ने, दैट इज लाल बाल पाल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में जब हुई उस टाइम पे वॉइसरॉय इंडिया के लॉर्ड मिंटो सेकंड थे, याद रखना आपको। और एक फेमस सूरत सेशन, याद रखिएगा इस टाइम पर इसको सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, जो 1907 में हुआ था जहां पर कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो ये भी उस टाइम पर हुआ था, ठीक है। दीज आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज व्हिच हैव बीन हैपनिंग इन लॉर्ड मिंटो सेकंड। चलिए नेक्स्ट वॉइसरॉय में बढ़ते हैं अपन, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। टाइम पीरियड है 1910 से लेके 1916, ठीक है। इस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई? सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी याद रखिएगा दिल्ली दरबार। अब आप कहेंगे दिल्ली दरबार मैंने आपको लॉर्ड लिटन के टाइम पर भी बताया था, यस, तो वैसे ही दिल्ली दरबार यहां पर भी हो रहा है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर। याद रखिएगा ये जो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, इसमें अगेन राजा और रानी को बुलाया जा रहा है, ठीक है, उनका कोरोनेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो उनको बुला के, याद रखिए इंडिया में कोरोनेशन किया गया, तो राजा कौन आए थे? किंग जॉर्ज फाइव विद हिज क्वीन, क्वीन मैरी, तो इनको बुलाया गया इंडिया में। और एक खास पॉइंट याद रखिएगा, ये आए थे दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, ये इंडिया में जब आए थे, याद रखिए इन्हीं के जब ये बॉम्बे से एंटर किए, मैं आपको बताऊं तो इनके एंट्री के लिए एक गेट बनाया गया जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया।
आपको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है, ये 1911 में ही बना था। और ये क्यों बना था, मैंने बताया ना आपको, ये किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी की एंट्री के लिए उन्होंने ये गेट बनाया था। इस टाइम पे याद रखिएगा वॉइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हिंदू महासभा। ठीक है, आपने सुना होगा मदन मोहन मालविया का नाम, तो मदन मोहन मालविया ने हिंदू महासभा का एस्टैब्लिशमेंट किया था 1915 में, उस टाइम पे वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, जब भी किंग जॉर्ज फाइव आए तो उन्होंने याद रखिएगा जो कैपिटल थी इंडिया की वो कैलकटा थी, उसको शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में, तो ये भी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली 1911। कुछ बुक्स में 1912 भी दिया रहता है, डोंट गेट कंफ्यूज, 1911 में अनाउंस किया गया था लेकिन शिफ्ट हुई थी 1912 में, इसलिए कभी-कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया था, दैट इज एन्युलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, तो आपको याद रखना पार्टीशन कब कैंसिल हुआ था। ठीक है, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की गई थी, तो हार्डिंग बॉम्ब केस जिसको अपन लाहौर कंस्पिरेसी केस भी कहते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं 1912 में हुआ था ये, तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द फेमस पार्टी जिसको अपन कहते हैं गदर पार्टी, इसका फॉर्मेशन 1913 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको फॉर्म करने वाले थे सोहन सिंह बखाना, याद रखिए सोहन सिंह बखाना वाज अ फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। अब इसमें आप लाला हरदयाल का भी नाम सोच रहे होंगे कि उन्होंने भी फाउंड की थी, है ना, तो यस लाला हरदयाल आल्सो फाउंडेड, बट देखिए अगर ऑप्शन में सोहन सिंह बखाना है तो गो विद सोहन सिंह बखाना, क्योंकि उसके बाद उसको रीएस्टैब्लिश कह सकते हैं लाला हरदयाल ने की है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लाला हरदयाल भी लिख सकते हैं अभी के तौर पर यहां पर। ठीक है, लाला हरदयाल। ठीक है, नेक्स्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा BHU का नाम, 1916 में एस्टैब्लिश की गई, अगेन मदन मोहन मालविया के द्वारा, इस टाइम पे वॉइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पहली बार स्टार्ट हुआ 1914 में, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914। एक बहुत फेमस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, याद रखिए कमेटी जो थी, मैं आपको बता दूं जर्मनी में फॉर्म हुई थी बर्लिन में 1915, मतलब जो ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया में, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की थी, तो इसको देख सकते हैं जो वर्ल्ड वॉर वन है उससे पहले कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, इसमें जर्मनी सपोर्ट कर रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का। ठीक है, नेक्स्ट, याद रखिएगा इसी टाइम पर महात्मा गांधी, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंग ओनली, महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया ऑन 9th January 1915। इसी दिन हम प्राइवेसी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑन 9th January, तो आपको याद रखना दीज आर एक्टिविटीज व्हिच हेल्ड इन लॉर्ड हार्डिंग टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो वॉइस ऑफ इंडिया में आते हैं लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, याद रखिएगा टाइम पीरियड है 1916 to 1921। इनके टाइम पर क्या हुआ, बहुत फेमस होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट एज वेल एज बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1916, ये मूवमेंट इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा। लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 1916, इस टाइम पर कांग्रेस, याद रखिएगा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गई थी, तो याद रखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लखनऊ सेशन। कमेंट बॉक्स में बताइए इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, मतलब लखनऊ सेशन के टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, एक फेमस रिफॉर्म, इसे अपन इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भी कहते हैं, और दूसरा नाम है मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगू वाज़ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम एंड क्लेम्सफोर्ड वाज़ व्हाट, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा ये जो रिफॉर्म्स हुए थे ये रिफॉर्म्स 1919 पे हुए थे, इस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, रॉवेल्ट एक्ट, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 1919 में रॉवेल्ट एक्ट आया, याद रखिए वॉइसरॉय का नाम। ठीक है, गांधी का पहला सत्याग्रह इन इंडिया इस चंपारण सत्याग्रह एट बिहार 1917, याद होगा राजकुमार शुक्ला ने, है ना, बुलाया था महात्मा गांधी को, तो इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह, वी ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, अगेन एट द टाइम ऑफ लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। देन खेदा सत्याग्रह 1918, याद रखना आपको, अगेन ये तीन कहते हैं लैप्स थी महात्मा गांधी की, मैं ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए एट द टाइम ऑफ लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखा जाए, जलियांवाला मैस्कर हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13th April 1919, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा सकता है इस टाइम पर देश का वॉइसरॉय कौन था। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन पहले भी अपन ने पढ़ी थी, एक और हंटर कमीशन अपॉइंट हुई 1919 में, ये
कमीशन इसलिए अपॉइंट की गई थी कि टू प्रोव द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है उसको प्रोव करने के लिए हंटर कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है, याद रखिए लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, खिलाफत मूवमेंट 1919 में एस्टैब्लिश हुई थी, याद रखिएगा, और अराउंड 1922 तक खिलाफत मूवमेंट चलती है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम एट द टाइम ऑफ लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। और द लास्ट एंड फेमस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी एट द टाइम ऑफ लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो याद रखिएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी और 1922 में खत्म हो जाएगी, बट स्टार्ट कब हुई थी, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ठीक है, आज के अपने लास्ट वॉइस रॉय जो है वो है लॉर्ड रीडिंग, दैट इज 1921 to 1926। इनके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला रॉवेल एक्ट, याद है आपको स्टार्ट हुआ था, जो प्रेस एक्ट और ऐसे अदर 22 अदर लॉज जो थे उनको रिवोक कर दिया गया था, हटा दिया गया था, याद रखिएगा, इन मार्च 1922 एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, आरएसएस आपने सुना होगा, आरएसएस का फॉर्मेशन हुआ 1925 में एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रीडिंग, केशव बलिराम हेडगेवर, तो याद रखिएगा इन्होंने फॉर्म की थी आरएसएस को, तो किसके टाइम एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ये आपको याद रखना, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत फेमस पार्टी है, 1925 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है स्टार्ट टू 1920 में हुई, बट वो खत्म हुई थी बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, तो चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में होता है, 5 February 1922, याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज पार्टी, अगेन वेरी फेमस पार्टी, स्वराज पार्टी 1923 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इनके फाउंडर बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट काकोरी ट्रेन रॉबरी जो 9 August 1925 में हुई, ठीक है, आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिए किस टाइम पे वॉइस रॉय थे, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो ली कमीशन है, जो 1923 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, द कमीशन इज रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखिएगा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड, उसके लिए ली कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी, याद रखिएगा 1923 में, तो दीज आल्सो एस्टैब्लिश एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो अपन ने लॉर्ड रीडिंग तक वॉइस रॉय तक दैट इज 1926 तक कंप्लीट कर दिया है, कमिंग लेक्चर्स में मोस्ट प्रोबेबली मेरा मानना है कि विल कंप्लीट टिल 1947, तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 4 उसका वेट करिए आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज कमेंट बॉक्स है आपके पास, आप जाकर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हो लेक्चर आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट जरूर हमको उसका रीजन बताइए क्यों आपने डिसलाइक किया है, इसमें अपने कमिंग लेक्चर्स में उसको और बेटर कर सके। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, जो नोट्स मैंने खुद बनाए हैं वो अगर आपको चाहिए हो तो कुरियर के थ्रू आपके घर वो नोट्स पहुंच सकते हैं, आप उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।